देखो अब जो हमने पढ़ा ना अभी तक, जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी देखो मैं करता। समरी ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, 5-7 मिनट लगेगा बेटा बस। दो मैं कह रहा था समरी ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, इधर देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, देखना बेटा ये हमने पहले ही पढ़ लिया, कोई बड़ी बात तो नहीं बताओ। जैसे बताओ असेट अकाउंट की बात करें, असेट अकाउंट बताओ अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट। हमने क्या पढ़ा, असेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होती है तो मुश्किल है क्या। अच्छा उसके बाद देखो एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट अगर बिजनेस के एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, मुश्किल है क्या। चलो उसके बाद देखो कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, उल्टा होता ना, कैपिटल इंक्रीज होती तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट, मुश्किल है क्या। उसके बाद देखो, उसके बाद लायबिलिटी अकाउंट, अच्छा अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बताओ क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो मुश्किल है क्या। आगे देखो रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगा तो और डिक्रीज होगा तो, ठीक है। हमने यही पढ़ा अभी 5 रूल, जब भी असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, अच्छा और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये एक तो ये रूल हमने 5 रूल पढ़े, जनरल एंट्री करने के लिए 5 रूल पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, समझ के याद रखना, ध्यान रखना, क्लियर किया। अब दूसरी बात मैंने बोला कि 5 तरह के अकाउंट्स आते हैं और इन अकाउंट्स में बहुत सारे खाते होते हैं, वो सारे अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स में मैंने लिस्ट बना रखी है, ये इसलिए बना रखी था कि मैं थोड़ा जैसे इनको एक दो रीड करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं और कौन से एसेट्स के खाते हैं, कौन से लायबिलिटी के खाते हैं, कौन से कैपिटल के खाते हैं, कौन से रेवेन्यू के खाते हैं, इनकी थोड़ी नॉलेज हो जाए, इसलिए ये लिस्ट मैंने पहले से तुम्हें दे दी है, ठीक है। उसको एक बार रीड करके सुना दे रहा हूँ बस, देखो जरा, देखो सबसे पहले देखो जो ये जो लिस्ट है उसमें देखो सबसे पहले क्या देखा, मशीन, मशीन कौन सा खाता है, असेट्स का, और अगर मशीन असेट इंक्रीज हो रही तो क्या करोगे, डेबिट, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन सा खाता है, लायबिलिटी का खाता है, क्रेडिटर किस चीज का खाता है, लायबिलिटी, और क्रेडिटर अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। आगे बढ़ो रेंट रिसीव, देखो रेंट रिसीव बोला है, रेंट रिसीव कर लो, रेंट मिल रहा है, रेवेन्यू है इनकम का खाता, किसका खाता है, रेवेन्यू इनकम का, अच्छा रेवेन्यू इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। आगे देखो सेल्स रेवेन्यू का खाता है, अच्छा सेल्स रेवेन्यू का खाता है, अच्छा इसमें असेट लिखा है क्योंकि कुछ लोग असेट्स भी बोलते हैं, सेल्स हमारा रेवेन्यू का खाता है और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। इसके देखो कैरिज आउटवर्ड लिखा है, अच्छा कैरिज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरिज मीन्स भाड़ा, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब जब देखो हमारा बिजनेस है, हम किसी को सामान डिलीवर कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे, जब सामान भेज रहे होंगे तो किराया भाड़ा दिया होगा, भाई सामान खरीद के लाओगे दुकान तक, वेयर हाउस तक, गोडाउन तक, तब भी किराया भाड़ा पे करोगे तो, और सामान जब भेजोगे तब भी किराया भाड़ा पे करोगे। देखो जब सामान मैंने खरीदा तो कैरिज इनवर्ड, देखो सुना मेरे, मैंने कैरिज पे करा, भाड़ा पे किया और सामान अपने गोडाउन तक लेके आया, तो उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। अच्छा जब मैं सामान को मैं कस्टमर के या किस जिसने मेरे से खरीदा उसके यहाँ तक पहुँचाऊँगा तो किराया भाड़ा नहीं लगेगा, तो उसका जो भाड़ा पे किया उसको बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड,
ठीक है, चाहे कैरिज इनवर्ड हो चाहे कैरिज आउटवर्ड, एक्सपेंस का खाता है। किसका खाता है? मैं कह रहा हूँ चाहे कैरिज इनवर्ड लिखा हो चाहे कैरिज आउटवर्ड लिखा हो, कैरिज भाड़ा होता है, खर्चा होता है। ठीक है, तो अब बताओ कैरिज एक्सपेंस का खाता है, और एक्सपेंस जितना पे करोगे उतना बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद देखो कैश अकाउंट, कैश मेरी क्या है? असेट्स, असेट्स कैश असेट अकाउंट है। अच्छा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद देखो बैंक अकाउंट, बैंक भी असेट का खाता है, बैंक में पैसा बढ़ेगा, असेट बढ़ेगी तो डेबिट और असेट घटेगी तो क्रेडिट। उसके बाद डेटर, डेटर भी कौन सा खाता है? असेट्स का, असेट डेटर बढ़ेगी तो क्रेडिट, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। रेंट अकाउंट, अच्छा रेंट खर्चा है, रेंट रिसीव बोलते तो क्या होता? इनकम। रेंट खर्चा है, और खर्चे बढ़ते तो क्या करते हैं? डेबिट। रेंट बढ़ेगा तो डेबिट और रेंट घटेगा तो क्रेडिट। इसी तरह इंटरेस्ट, खर्चे का खाता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है? खर्चे का खाता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेबिट और इंटरेस्ट घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, उसके देखो सैलरी अकाउंट, सैलरी भी किस चीज़ का खाता है? खर्चे का खाता है, एक्सपेंस का खाता है। सैलरी बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ठीक है, यानी वो खर्चा तो बन चुका है, काम तो करवा दिया लेकिन सैलरी नहीं दी, सैलरी देनी बाकी है, लाइबिलिटी का खाता है। किसी भी एक्सपेंस से पहले आउटस्टैंडिंग ले जाए तो कौन सा खाता होंगे? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। यानी सुनो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जितनी बढ़ेगी, इसका मतलब काम करवा दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, जितनी सैलरी बकाई करते जाओगे लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद देखो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ढंग से सुनना बेटा, एक बार खाली सुना, खाली लिखा इंटरेस्ट अकाउंट, क्या लिखा हो? इंटरेस्ट अकाउंट तो खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेबिट, इंटरेस्ट जितना पे करेंगे खर्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, लेकिन यहाँ लिखा है इंटरेस्ट पेबल। अच्छा किसी, सुनो किसी भी खर्चे के साथ पेबल लग जाए, क्या लिखा है? पेबल। जैसे ही लिख जाए रेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सैलरी पेबल, किसी भी खर्चे के साथ पेबल लग जाए, इसका मतलब पे किया जाना है और वो बकाया है, आउटस्टैंडिंग हो गया। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर पेबल वर्ड आया, पेबल एक्सपेंस पेबल, इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, उसका भी मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। यानी इंटरेस्ट पेबल का मतलब इंटरेस्ट पे किया जाना है, अभी पे नहीं हुआ, पे होना है, वो लाइबिलिटी बन गया। और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट मेरा कौन सा खाता है? लाइबिलिटी का। और जितना इंटरेस्ट पेबल बढ़ेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट पे किया जाना है, उतना पैसा कर्जा मेरे पास चढ़ता जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और अगर मैं पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी घट जाएगी, और लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट, डेबिट। उसके बाद देखो कैपिटल, क्या बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद देखो फर्नीचर, असेट अकाउंट है, फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद फ्रेट अकाउंट, फ्रेट मेरा क्या है? खर्चे का खाता, एक्सपेंस का खाता, और फ्रेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, खर्चे बढ़ते तो डेबिट होते। आगे बढ़ो, उसके बाद देखो क्या लिखो, सोहन अकाउंट। अच्छा सोहन हमारा कस्टमर है, डेटर, अगर मैंने सोहन को माल बेचा है तो डेटर है, और सोहन से माल खरीदा है तो क्रेडिटर है। ठीक है, तो देखो मेरे पास सोहन को माल बेचा है, डेटर है, अगर सोहन मेरा डेटर है तो जो माल बेचते जाओगे डेटर बढ़ते जाएगा, असेट्स बढ़ती जाएगी, असेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं? डेबिट, और असेट घटेगी तो क्रेडिट। अच्छा उसके बाद देखो राम अकाउंट, सप्लायर या क्रेडिटर, सप्लायर या क्रेडिटर का मतलब जिसने मुझे गुड्स सप्लाई किए, जिसने मुझे माल भेजा है, बदले में पैसा देना है, किसी से मैंने उधार माल खरीदा है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर या सप्लायर। सप्लायर का मतलब उसने मेरे को गुड्स सप्लाई किए तो उसको पैसा देना है, तो मेरा क्या क्रेडिटर, तो क्या कर रहे हैं? देखो राम मेरा सप्लायर है, क्रेडिटर है, अच्छा उसको पैसा देना है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अकाउंट है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद परचेज, असेट भी देखो मैं कह रहा हूँ ना, एक्स सुनो, परचेज करके लाओगे तो तुम्हारे पास गुड्स पड़े होंगे, स्टॉक पड़ा होगा, तो कई लोग उसको असेट बोलते हैं और कई लोग खर्चा बोलते हैं, तो मैंने बोला परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस, जितना परचेज करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। क्लियर क्या? असेट भी बोल दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एक्रूड इनकम अकाउंट। अच्छा एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, इनकम कमा ली मिली नहीं, और कोई भी इनकम कमा लो मिली नहीं, किसी भी इनकम से पहले एक्रूड लग जाए तो वो एसेट बन जाती है, क्या बन जाती है? अच्छा तुमने जितना तुम इनकम कमाते रहोगे मिलेगी नहीं, तो तुम्हारी एक्रूड इनकम के नाम की एसेट बढ़ेगी, और एक्रूड इनकम बढ़ेगी तो यानी एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं? डेबिट, और घटेगी तो क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा बिल्स पेबल, याद है मैंने बोला था कि हम बिल के थ्रू माल खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, आप कह रहे बिल्स पेबल बोला, यानी लाइबिलिटी का खाता,
बिल्स पेपर हमारी लाइबिलिटी होती है और बीआर हमारी बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। मैंने बताया जब हम बिल के थ्रू माल खरीदते, किसी से मैंने सामान खरीदा और उसने मेरे पे बिल ड्रॉ किया, बिल लिखा और डॉक्यूमेंट तैयार किया और लिखा मेरे को मेरे ऊपर, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर मैंने साइन करके दिया तो मुझे बिल का पैसा देना है, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं क्या बुलाता हूँ, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। और जितना मैं माल मैं अगर जितना मैं डॉक्यूमेंट साइन करके माल खरीदूंगा, बिल्स पेबल बढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद गुडविल अकाउंट, गुडविल मेरी एसेट होती है, किसी की गुडविल खरीद ली मैंने तो गुडविल बढ़ेगी, ठीक है, और गुडविल बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक बिजनेस के अंदर जो गुड्स पड़ा हुआ है बिका नहीं, स्टॉक, स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक मेरा एसेट का खाता है, स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट मुझे मिला है, रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्या, क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लॉस का खाता है, लॉस, डिस्काउंट अलाउड मेरा कौन सा अकाउंट है, लॉस अकाउंट। जितना मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो वो पैसा मुझे मिलता, मैंने डिस्काउंट दे दिया पैसा गवा दिया, छोट लॉस हो गया मुझे। अच्छा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लॉस का खाता है, जितना डिस्काउंट देते जाओगे लॉस बढ़ेगा, और लॉस बढ़ता तो क्या करते हैं डेबिट, और लॉस घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा तुमने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली तो तुम्हारे पर कर्जा बढ़ जाएगा, बैंक बैंक से बैंक ने तुम्हें फैसिलिटी दे रखी है कि तुम पेमेंट कर सकते हो, तुमने पेमेंट कर दी तो इसका मतलब बैंक का कर्जा तुम्हारे पर आ गया, नहीं आ गया, बैंक को तुम्हें उतना पैसा देना पड़ेगा। तो जितना बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा उतनी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी का खाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन सा खाता है, लाइबिलिटी का। और बैंक ओवरड्राफ्ट जितना तुम लेते जाओगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करोगे उतनी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद लोन अकाउंट, बैंक से लोन लोगे तो कौन सा खाता है, लाइबिलिटी का। लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लोन के नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। अच्छा वेजेस पे क्या, वेजेस क्या होता है, खर्चा, खर्चा पे करोगे तो बताओ एक्सपेंस बढ़ेगा, वेजेस पे करोगे तो खर्चा बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो। अच्छा इसकी कोई एसेट खराब हो गया उसको रिपेयर करा दिया, जैसे मेरा मान लो कैमरा खराब हो गया मैंने थोड़ा सा रिपेयर करा दिया तो खर्चा है, ये भी क्या कहलाएगा, खर्चा है। रिपेयर अकाउंट भी एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट रिपेयर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। इसी तरह डेप्रिसिएशन, मैंने कैमरे पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, मैंने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, मैंने एसी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू में कमी आना। और किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो वो बिजनेस का खर्चा होता है, जितना डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा, तो डेप्रिसिएशन लगाने से खर्चा बढ़ता है और बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट है बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और घटेगा तो घटता नहीं है इन जनरल, ध्यान रखना। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कुछ भी हो सकता है, ये बिल्डिंग देखो मैं कह रहा हूँ, ये बिल्डिंग फिक्स एसेट है, मशीन फिक्स एसेट है, कैमरा फिक्स एसेट है, एसी फिक्स एसेट है, तो ये एसेट का अकाउंट है। एसेट कोई भी बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। इसके लिए बैड डेट्स, बैड डेट्स मैंने बोला ना, डेटर पैसा लेके भाग गया, डूब गया पैसा, ठीक है। मैंने किसी को उधार माल बेचा था, उससे पैसा लेना था, वो मेरा क्या डेटर, कोरोना हो गया, वो दुनिया छोड़ के चला गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं, अब बताओ पैसा मिलेगा क्या, लेना होगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर जा नहीं सकते तो पैसा डूब गया। तो मैं कह रहा हूँ जो पैसा डूब गया, जो अब रिकवर नहीं हो सकता, हमें नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। डेटर से जो पैसा लेना था अगर वो डूब गया, वो कभी रिकवर नहीं होगा, तो बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारा क्या होता है, लॉस। और बैड डेट्स जितना बढ़ेगा लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ कमीशन अकाउंट, कमीशन हम किसी को खिला रहे, कमीशन पे कर रहे हैं, कोई काम कराने के लिए कमीशन पे कर रहे, तो कमीशन क्या है, खर्चा। कमीशन बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके अलावा बेटा परचेज रेंट, सॉरी परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेज सुना मेरे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो होता है ना, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, जब खरीदा हुआ गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है उसको वापस कर देते हैं तो परचेजेस रिटर्न, ये मेरे एक्सपेंस को कम कर देता है, ध्यान रखना। परचेजेस रिटर्न अकाउंट मेरे एक्सपेंस को कम कर देता है, और परचेज रिटर्न करोगे तो एक्सपेंस कम होगा, और एक्सपेंस कम होता तो क्या करते हैं क्रेडिट, बस मारी एक्सपेंस कम होता तो क्रेडिट, इन जनरल हमेशा कम ही होगा, ठीक है। आगे देखो उसके बाद बताया सेल्स रिटर्न, अच्छा देखो सुना, मैंने जब तुम्हें मैंने सामान बेचा था तो मैंने बोला था गुड्स को बेचकर जो पैसा है मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू या लोग बोलते हैं इनकम, इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। अब देखो जरा, जो मैंने गुड्स मैंने 1,00,000 का माल बेचा था उसमें से 10,000 का डिफेक्टिव था, तुमने मुझे वापस कर दिया, जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाता तो क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं सेल्स, और सेल्स रिटर्न ने मेरे रेवेन्यू को कम कर देता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करता है क्रेडिट, और रेवेन्यू घटता है तो डेबिट। तो सेल्स रिटर्न से मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम। अगर
देखो मेरी बात सुनो, अगर गुड्स को, अगर गुड्स को असेट मान के चलोगे, असेट मान के चलोगे तो परचेज असेट होगी तो परचेज रिटर्न भी असेट होगी, सेल्स असेट होगी तो सेल्स रिटर्न भी असेट होगा। तो मेरी बात सुनो, कई लोग जब पढ़ाते हैं तो परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न को असेट का अकाउंट मानते हैं, और अगर तुम असेट अकाउंट बना मानोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। असेट बढ़ती है तो डेबिट, असेट घटती है तो क्रेडिट, ईजिली हो जाएगा। अगर तुम उसको रेवेन्यू या इनकम मान के चल, रेवेन्यू या एक्सपेंस मान के चल रहे हो तो थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आगे जाके ना, जब तुम आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे तो हम सेल्स को खर्चा मानेंगे और उसे, सॉरी, परचेज को खर्चा मानेंगे और सेल्स को रेवेन्यू मानेंगे। तो इसलिए मैं पहले से तुम्हारे अंदर आदत डाल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। वो सिर्फ जनरल एंट्री सिखाने के लिए एसेट लायबिलिटी, एसेट भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब एडवांस, प्रीपेड का मतलब एडवांस। हमने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया। अच्छा, इंश्योरेंस सुना मेरे बेटा, अगर मैंने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस का पैसा पे किया तो खर्चा है, इंश्योरेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, को घट रहा है तो क्रेडिट। और अगर मैंने इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया तो अब मेरी एसेट है। जाना, कोई भी खर्चा अगर एडवांस में पे कर देते तो उसे प्रीपेड भी बोला जाता है, एडवांस बोलते हैं या प्रीपेड। और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हमारी क्या होती है, असेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, असेट। जितना एडवांस में पे करोगे असेट बढ़ेगी, और असेट बढ़ती है तो डेबिट, और असेट घटती है तो क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एडवांस कमीशन। अच्छा, एडवांस कमीशन सुना मेरे, देखो एडवांस कमीशन पे किया है, पे किया तो मेरा एडवांस कमीशन अगर मैंने पे किया तो मेरी एसेट है। अच्छा, एडवांस कमीशन मुझे मिला है तो लायबिलिटी है। कमीशन खर्चा भी हो सकता है और कमीशन इनकम भी हो सकती है। अगर हम कमीशन पे करते तो खर्चा है और कमीशन मिल रहा है तो इनकम है। अब देखो, अगर मैंने किसी को एडवांस में कमीशन दिया तो कमीशन एडवांस में दे दिया, काम करवाना बाकी है, सर्विस लेनी बाकी है, तो मेरी एसेट बन जाएगी। और जितना एडवांस कमीशन पे करोगे एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और एसेट घटती है तो क्रेडिट, ठीक है। और अगर मेरी बात सुनो, मुझे एडवांस में कमीशन किसी ने दिया है, मुझे भी तो एडवांस में कमीशन मिल सकता है। अच्छा, मुझे एडवांस में कमीशन मिला तो मेरी लायबिलिटी है, कमीशन मेरी इनकम होती है, और एडवांस में मिल गया तो लायबिलिटी बन जाएगी। और एडवांस कमीशन हमारा कौन सा खाता होता है, लायबिलिटी का, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये देखना बेटा ढंग से, आएगा तो कन्फ्यूज हो गए। रेंट ओइंग अकाउंट, रेंट ओइंग का मतलब आउटस्टैंडिंग, रेंट ओइंग वर्ड देखो, रेंट ओइंग बोल दे, रेंट आउटस्टैंडिंग बोल दे, रेंट पेबल बोल दे, तीनों का मतलब सेम, यानी आउटस्टैंडिंग। और कोई भी खर्चा अगर बकाया होता तो क्या बन जाता है, लायबिलिटी। रेंट ओइंग एक लायबिलिटी अकाउंट है, और जितनी लायबिलिटी बढ़ेगी, रेंट ओइंग बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। उसके बाद देखो लैंड अकाउंट, लैंड कौन सी होगी, लैंड हमारी क्या है, एसेट्स। लैंड बढ़ेगी तो डेबिट, और लैंड घटेगी तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, गेन का खाता है, डिस्काउंट रिसीव हुआ मुझे, मैंने किसी को पेमेंट करी, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, मुझे फायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। गेन का फायदा, गेन बढ़ेगा, फायदा बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। उसके बाद देखो स्टेशनरी मेरा किस चीज का खाता है, एक्सपेंस का। जितनी स्टेशनरी खरीदोगे बिजनेस के लिए, के यूज में लाओगे, खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, स्टेशनरी बढ़ेगी तो डेबिट, स्टेशनरी घटेगी तो क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। टेलीफोन का बिल पे कर दिया, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। कन्वेंस का मतलब होता है आने जाने का किराया भाड़ा। मेरी बात सुना, मेरा ऑफिस दिल्ली में, और मैं दिल्ली के ऑफिस के काम से दिल्ली में घूम रहा हूँ, बाय मेट्रो जा रहा हूँ, या बाय रिक्शा जा रहा हूँ, बाय बस जा रहा हूँ, ठीक है, बाय कैब जा रहा हूँ, तो मेरा आने जाने का जो किराया भाड़ा होगा या पेट्रोल वगैरह का जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है। अच्छा, सामान ले जाने की नहीं बोला मैं, खुद की ऑफिस के काम से जो एम्प्लॉई वगैरह आ जा रहा है उसको पैसा जो दिया जाएगा, कन्वेंस। कन्वेंस भी बिजनेस का क्या होता है, खर्चा। और खर्चा कन्वेंस बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद बेटा देखो पोस्टेज, पोस्टेज भी खर्चा होता है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। पोस्टेज क्या होता है तो मैं असली में दिखा दूंगा, मैं मेरे पास पड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग हमारे एसेट से, बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग बढ़ेगी, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट और घट रही है तो क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट करा दिया मैंने अपने बिजनेस का, एड की, खर्चा है, बढ़ेगा तो डेबिट, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो, ठीक है। इन जनरल ध्यान रखना, जितने भी मैं एक्सपेंस के नाम ले रहा हूँ ना, एक्सपेंस के, वो घटते नहीं है, इन जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस में किए जाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बहुत कम होंगे, डेबिट ही हो गया, एक्सपेंस इन जनरल क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। अच्छा, चैरिटी दान कर दिया मैंने, अब बताओ मैंने अपनी कुर्सियाँ दान में कर दी तो लॉस हो गया मुझे, ठीक है। तो अपने घर पर जो भी दान कर दोगे तुम्हारे लिए लॉस ही होगा, ठीक है। अपना घर का सारा सामान दान कर दो तो लॉस हो गया, नहीं हो गया। मैंने, मेरे पास गुड्स पड़े थे, मैंने गुड्स पड़े थे, मैंने दान में दे दिया तो लॉस हो गया, नहीं होगा। जितना दान करोगे लॉस होगा, कई लोग खर्चा बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। चैरिटी मेरा लॉस का खाता है, एक्सपेंस का खाता है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, उसका लॉस बाय फायर,
आग लग गई लॉस हो गया, आग लगेगी लॉस हो गया तो क्या होगा, लॉस बढ़ रहा है डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, चोरी होने से लॉस बढ़ गया, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। अब इतने ये सारे खाते जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ये खाते, इनमें से कोई खाते ओपन करे जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें सोचना है कि बढ़ेगा कब और घटेगा कब, डेबिट कब होगा क्रेडिट कब होगा, रूल लगाना है बस। कोई डाउट है तो बताओ।